इडली, सूजी पर इडली, बहुत लोग इसको रवा इडली भी बोलते हैं। इडली बनाने के लिए मैं देखिए एक बाउल में सूजी ली हूँ, मोटा या महीन कोई भी आप किसी भी तरह का सूजी ले सकती हैं, और एक बाउल भर के मैं दही ली हूँ। ये दोनों मिक्स करके मैं इडली का घोल तैयार करूँगी। देखिए मैं सूजी इसमें डाल रही हूँ, दही भी डाल दे रही हूँ। ये इडली बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम और बहुत अच्छी मुलायम इडली बनती है। इसमें देखिए नमक अंदाज से डालना है, देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गाढ़ा बैटर तैयार करना है, गाढ़ा घोल, जैसे इडली का घोल बनता है, जैसे चावल और दाल डाल करके हम लोग इडली बनाते हैं उसी तरह से इसका गाढ़ा घोल तैयार करना। वो इडली बनाने में देखिए टाइम लगता है और सोचना पड़ता है, एक दिन पहले उसको तैयारी करना पड़ता है। चावल लीजिए, उड़द का दाल लीजिए, उसको भिंगाइए, उसका पीसिए। ये बहुत आसान और बहुत ईजी तरीका बनाने का, जब इच्छा हो इंस्टेंट बना के इसको खा सकती है। बस 2 घंटा या 1 घंटा पहले इसको घोल के रखना पड़ेगा रेस्ट में, उसके बाद इसका इडली बनाइए। एकदम सॉफ्ट नरम, एकदम बाजार की तरह एकदम इडली बनेगी, तैयार हो जाएगी। चटनी भी इस तरह का इंस्टेंट चटनी बना देंगे। मैं इस तरह से बैटर तैयार कर ली हूँ, इस तरह से देखिए कंसिस्टेंसी रहे। इसे मैं 2 घंटा रेस्ट में रखूँगी इसे, अगर उस समय थोड़ा गाढ़ा हो तो फिर थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से बनाना है। इसको मैं 2 घंटा रेस्ट में रख दूँगी, जल्दी है तो आधा 1 घंटा भी रेस्ट में ला करके इसको इडली को, जब तक देखिए हमारा इडली का घोल बैटर रेस्ट में रखी हूँ, तब उसके मैं इंस्टेंट चटनी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। आप अगर चाहिए बहुत जल्दी, अगर अर्जेंट है तो इडली आप आधा घंटा 1.5 घंटा में भी बना सकती हैं। इडली बहुत सॉफ्ट बहुत है, बनाने के टाइम में आपको 1 पैकेट उसमें इनो डालना, इनो डालने से बहुत खमीर और बहुत स्पंजी एकदम सॉफ्ट इडली बनेगी। अब चटनी बनाने के लिए देखिए इंस्टेंट चटनी, मूँग अगर आपके पास नारियल है तब तो नारियल की चटनी बनाइए, नारियल और चना दाल। अगर नारियल नहीं है तो भुने हुए बादाम, रोस्टेड मूँगफली और रोस्टेड चना दोनों मिलाकर एक साथ मैं चटनी बनाऊंगी, टेस्ट एकदम बिल्कुल नारियल की तरह। जब भी इच्छा हो खाने की इडली कभी भी बना करके आप खा सकती हैं। उसमें मैं 5 पीस हरी मिर्च डालूंगी और अदरक डालूंगी, मिक्स करके इसमें चटनी रेडी तैयार कर पड़ूंगी। मैं चटनी पीसने जा रही हूँ, इसमें देखिए थोड़ा सा मैं 2 चम्मच पानी डाली हूँ, मिर्ची और अदरक डाल करके इसमें मैं देखें मूँगफली, जो रोस्टेड मूँगफली है यह डाल रही हूँ, और चना डाल दे रही हूँ, और इसी में मैं नमक डाल दूँगी। नमक डाल के इसको चटनी तैयार करूँगी। चटनी बनने के बाद देखिए कड़ी पत्ता, सरसों के दाने और सूखी मिर्च, इसके साथ मैं इसको तड़का लगाऊँगी। देखिए मैं चटनी पीस करके ले आई हूँ, मैं इसे बाउल में डाल दे रही हूँ। ये चटनी एकदम बिल्कुल नारियल की चटनी की तरफ लगेगी खाने में, नारियल हो तो आप डालिए, नहीं नारियल हो तो ये चना दाल और मूंगफली के साथ भी बना सकते चटनी। ये देखिए तड़का पैन में मैं रिफाइंड तेल डाली हूँ और इसमें इसका तड़का लगाऊंगी चटनी में। तेल देखिए गर्म हो चुका है, अब इसमें सबसे पहले मिर्ची डालूंगी, उसके बाद मैं कड़ी पत्ता, उसके बाद राई का दाना, थोक लगा देती थोक लगा के पसंद था ढाक देने से छोक का पूरा टेस्ट उसमें चटनी घोल बैटर बिल्कुल एकदम रेस्ट में हो गया 2 घंटा। अब मैं इसमें 1 पाउच इनो डाल दे रही हूँ, इनो डाल करके उसे पानी का थोड़ा सा 3-4 बूंद छीटा देना, उसे बहुत जल्दी खमीर हो जाता है और बहुत फ्लफी हो जाएगा आपका। एक ही साइड में इसको घुमाना है बस, इनो डालने के बाद इसके बाद देखिए इडली स्टैंड में मैं तेल से ग्रीस करूँगी, रिफाइन तेल लगा के इसको ग्रीस करना है।
जितना भी स्टैंड है सब में देखिए सांचा में इसको तेल लगा करके ग्रीस करना है। जैसे इडली जो बहुत आराम से आसानी से निकल जाएगा और चिपकेगा नहीं, इसीलिए इसमें तेल लगाया जाता है। उसके बाद देखिए मैं सब में सांचे में सांचा से थोड़ा छोटा ही इसको साइज डालना है, पूरा भर के नहीं डालना है, वो फूल करके कमी होने से इडली की साइज बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा कम कम ही डालना है, पूरा भर के नहीं डालिए। घोल को मैं इडली स्टैंड से थोड़ा उसमें कम ही डालूँगी, सांचा से पूरा भर के नहीं डालूँगी, क्या वो फूल करके साइज बड़ी हो जाएगी। इसको ये साइड में करना ठीक इडली के घोल के पास, तब उसमें स्टीम पूरा अच्छी तरह से लगेगी। ये देखिए एक पर एक सबको रख देना, पानी चढ़ा देंगे, पानी उबल गए, अब इसमें इडली का सांचा को मैं इसमें डाल दूँगा, डाल करके इसको मसल में सेट कर देना है। अब इसको गैस पर बनाइए, फिर भी 10 मिनट लगेगा, इंडक्शन में बनाइए फिर भी 10-20 मिनट ढाक दीजिए, और 10 मिनट में इडली बनके तैयार हो जाएगी। देखिए 10 मिनट हो गए, इडली बनकर रेडी, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए कितना स्पंजी और देखिए सॉफ्ट इडली बनी है, एकदम इंस्टेंट इडली है, रवा इडली सूजी के बहुत जल्दी बना करके आप खा सकती हैं, इसके लिए इंतजारी नहीं करना पड़ा। चावल की इडली बनाने में इंतजारी करना पड़ता, पहले से भिंगो कर रखिए, पीसिए, टाइम लग जाता है। ये इडली जब इच्छा हो बना करके आप खा सकती हैं। और निकालने में भी सुविधा, देखिए तेल लगाने से ही फ़ायदा है, आपको निकल जाएगा बहुत आराम से। रवा इडली देखिए बन करके बिल्कुल रेडी है, देखिए कितनी अच्छी हो, कितनी फुली फुली, कितनी स्पंजी, सॉफ्ट एकदम नरम इडली तैयार है, एकदम उसके साथ देखिए कि चटनी भी रेडी, एकदम इंस्टेंट इडली और इंस्टेंट इडली चटनी बन के एकदम रेडी है। मैं आशा करती हूँ इस तरह से बना के आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। फिर से नई रेसिपी लेकर अगर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।